क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 2018 के लिए सब्सक्रिप्शन निकालो। तो आप एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लो। बोला है कि क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2018 तक क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन कितने रह गया। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम बन गया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका क्वेश्चन में दे रखा है, फास्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन 30,000, 31 मार्च लास्ट ईयर का 30,000 है। तो इसी साल का ओपनिंग बैलेंस होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 30,000 है। एडवांस जो रिसीव किया गया है लास्ट ईयर करेंट ईयर के लिए वो 14,000 है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,000 ओपनिंग एडवांस। डेबिट साइड में था ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्रेडिट साइड में है ओपनिंग एडवांस। और टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हमारा क्लब में 200 मेंबर है, 1,000 रुपए दे रहे हैं। लाइन नंबर 3 ऑफ द क्वेश्चन, 200 मेंबर्स ईच पेइंग 1,000 टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, 200 मेंबर 1,000 रुपए, 2 लाख सब्सक्रिप्शन इनकम बनेगा। अभी नेक्स्ट होता है आपके टू बैलेंस कैरेट डाउन, सेकेंड एडजस्टमेंट में दे रखा है, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2018 40,000, करेंट ईयर का एडवांस 40,000। तो आपको पैसे मिला है, थर्ड लाइन के क्वेश्चन में दे रखा है, सम ऑफ 2,05,000 एज रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 2,05,000। हमें एक्चुअली 2,05,000 कैश और चेक मिला है सब्सक्रिप्शन के लिए, दिस इज एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट। डेबिट साइड से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, दैट इज डेबिट साइड टोटलिंग है 2,70,000। इसको क्रेडिट टोटलिंग में लिखो, उससे 2,19,000 माइनस करो, हमारा आंसर आएगा बाय बैलेंस कैरेड डाउन बैलेंसिंग फिगर 51,000। दिस इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, इतना रह गया 51,000। उसी को अगर हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, और स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एट 31 मार्च, अब करेंट ईयर लिखो, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट का कॉलम बनाओ, रुपी फॉरवर्ड यानी का सिंबल लगाओ और लिखो सब्सक्रिप्शन इनकम 200 मेंबर 1,000 रुपए, टोटल 2 लाख इनकम है। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करेंट ईयर के अंदर पैसे मिला है 2,05,000, उससे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन मिला है उससे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 30,000 लेस करो, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमें निकालना है और ओपनिंग एडवांस ऐड करो और क्लोजिंग एडवांस ड्यूरिंग द करेंट ईयर उसको लेस करो। ये जो मिला है पैसे, ये करेंट ईयर के लिए कितने मिला है कैश, करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन के हेड पे कैश मिला है 1,49,000, ये इतने कैश मिला है। तो 2 लाख से 1,49,000 माइनस करने के बाद हमारा आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एट 31 मार्च दिस ईयर इज रुपीज 51,000, क्योंकि हमें करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 2 लाख रुपए इनकम होना चाहिए था, बट हुआ 1,49,000। तो इस साल के लिए मिला नहीं, कितना आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, डिफरेंस 51,000 जो लास्ट लाइन आंसर, ये आपका आंसर है एंड दिस इज योर फाइनल आंसर।